हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलुगु फिल्म एजेंट साई श्रीनिवास अत्रेया की, जो कि रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पे 21 जून 2019 को। आज हम बात करने वाले हैं इस फिल्म के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में, फिल्म के बारे में, और फाइनली बताएंगे इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस वीडियो की डिमांड की है इन्होंने, तो दोस्त ये वीडियो आपकी डिमांड पे है। तो पहले हम बात करते हैं फिल्म के बारे में। फिल्म में लीड रोल में है नवीन पॉली शेट्टी। फिल्म में को स्टार हैं श्रीदी और श्रुति शर्मा। फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और फिल्म को डायरेक्ट किया है स्वरूप आर एस जैन ने। वहीं फिल्म को प्रोड्यूस किया है राहुल यादव जी ने। फिल्म काफ़ी अच्छी है। फिल्म सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर है और फिल्म को काफ़ी अवार्ड भी मिले। अब बात करते हैं फिल्म के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में, बात करते हैं फिल्म की रेटिंग के बारे में। तो फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग मिली है और इस फिल्म को 3 जी सिने तेलुगु अवार्ड मिले हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है एक फिल्म को 3 जी सिने अवार्ड मिलना। मैं कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस फिल्म में जो लीड रोल में है नवीन पॉली शेट्टी, वो फिल्म में आने से पहले इंजीनियर रह चुके हैं। इंजीनियर के बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया AIB तेलुगु के नाम से। अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पर जाके AIB तेलुगु, तो नवीन पॉली शेट्टी की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। दूसरी अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करें तो नवीन पॉली शेट्टी ने काफ़ी हिंदी फिल्में भी की हैं, जैसे कि शोर इन दी सिटी और अनिल कपूर जी की एक टीवी सीरीज आई थी 24, जिसमें भी ये को स्टार थे अनिल कपूर। बॉलीवुड में इन्हें सक्सेस नहीं मिली, लेकिन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने इनका टैलेंट पहचाना और वहाँ पर इनके टैलेंट की कदर हुई और आज ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर बन चुके हैं। तो बात करते हैं फाइनली इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म ने लाइफ टाइम पे कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पे 20 करोड़ रुपए की और वहीं फिल्म का बजट था 5 करोड़ रुपए। दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित हुई। आपको ये फिल्म कैसी लगी? अगर आपने फिल्म देखी है तो कैसी लगी, और नहीं देखी है तो ये फिल्म एक बार ज़रूर देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए एंटरटेनमेंट फॉर यू।